हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं सूजी से एक नई रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में एक कटोरा मैंने सूजी ले रखा है, और अब मैं इसको बारीक पीस लूँगी। और यहाँ पे मैंने सूजी पीस के तैयार कर लिया है, और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा ली है गैस पे। उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, पानी और घी को। और अब इसके ऊपर से मैंने जो सूजी को मैंने पीस रखा था उसको मैं इसमें ऐड कर लूंगी। और अब मैं इसको अच्छे से करछी से चलाते हुए पकाऊंगी, और इस पे करछी से चलाती रहूंगी ताकि इसमें लम्स ना बने। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा सूजी एकदम फूल चुकी है, एकदम पक के रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूंगी। यहाँ पे मैंने सूजी निकाल ली है, और इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक के लिए मैं इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लूंगी। इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले रखे हैं, काजू बादाम, और थोड़े से मूंगफली ले रखे हैं, थोड़ी सी चीनी ले रखी है मैंने, और इसको मैंने बारीक पाउडर फ्रेम में पीस लिया है। और अब मैंने इसको निकाल दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा स्टफिंग तैयार है। और इसके ऊपर से मैंने 1 चम्मच घी डाल के उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे ये मेरा स्टफिंग रेडी है, और यहाँ पे सूजी मेरी ठंडी हो चुकी है। उसके ऊपर से मैंने 1 चम्मच मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिल्क पाउडर और सूजी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इसका एक डो तैयार कर लूंगी। यहाँ पे मैंने डो तैयार करके रेडी कर लिया है, और अब मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैं चाशनी तैयार कर लूंगी। चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरा चीनी ले रखी है, और 1 कटोरा मैंने पानी ले रखा है, और इसमें थोड़े से केसर के धागे मैंने ऐड कर लिए हैं। और अब मैं इसको बॉयल आने तक पका लूंगी। और यहाँ पे ये चाशनी मेरी पक रही है, तब तक के लिए मैं जो मेरा डो मैंने रेडी किया था उसको मेरा ड्रेस्ट हो चुका है। और अब मैं इसकी एक लोई लेके इसको मैं सरफेस पे रख के बेल लूंगी। रोटी से बड़ा साइज का मैं इसको बेल के रेडी करूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बेल के रेडी कर लिया है। और अब मैं गिलास की मदद से, कोई नुकीला वाला गिलास होता है जो, उसकी मदद से छोटे छोटे पीस में तोड़ लूंगी। मैं इनको छोटे छोटे पीस कर लूंगी ताकि पूरी से छोटे साइज के बना लूंगी। और यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग मैंने बना रखी थी थोड़े से हाथ में लेके, और इसके ऊपर से मैं रख लूंगी, ऊपर से एक मैंने एक पूरी और रख लूंगी इसके ऊपर से, और साइड पे प्रेस करके अच्छे से दबा लूंगी, अच्छे से प्रेस कर लूंगी साइडों को ताकि साइडों से खुले ना। और अब इसके ऊपर से मैं एक प्यारा सा डिजाइन बनाऊंगी। देख सकते हैं आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। और अब मैं इसके कोने एक बार अच्छे से प्रेस कर लूंगी, और अब यहाँ पे मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करूंगी। आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं, मेरे को ये सही लगा तो मैंने ये डिजाइन बनाया है। और एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है, एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं सारे बन के रेडी हो चुके हैं। और मैंने अब कढ़ाई पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल मेरा गरम हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी, एक बार में 4 से 5 ऐड करूंगी मैं। और इसमें पहले मैं हाई फ्लेम पे ही फ्राई करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम लो कर लूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना प्यारा कलर आके रेडी हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। इनको मैं पलटते हुए पका लूंगी अच्छे से, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ये पक्के रेडी हो चुके हैं। और अब मैं इनको निकाल लूंगी। अब ये देख सकते हैं मैंने निकाल लिए हैं, और अब मैंने जो चाशनी बनाई थी उसके अंदर मैंने इनको डुबो दिए हैं ताकि थोड़ी सी चाशनी पी लेंगे और अच्छे से जूसी बन जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी पी के रेडी हो गए हैं ये, और देख सकते हैं मेरी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।